इधर देखिए, आम बजट पेश होने के बाद अब मध्य प्रदेश का भी प्रदेश बजट पेश होने वाला है और इससे प्रदेश के तमाम युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और मध्य प्रदेश में जो तमाम युवा हैं, स्टार्टअप करने वाले जो युवा हैं, वो सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर स्टार्टअप को बढ़ाना है, औद्योगिक प्रदेश बनाना है, तो बहुत सी नीतिगत बदलाव भी करने होंगे, टैक्स फ्री नए उद्योगों को करना होगा और ख़ास तौर पर युवाओं से जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं और जो तमाम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं सरकार के इस बजट से, उनसे बात की है जबलपुर में हमारे सहयोगी दुर्गेश कुमार। किस तरीके से इस पर कंट्रोल कर सकती है सरकार, कैसे इस बजट को बता? देखिए, मैं अपने स्टार्टअप से संबंधित बात कह सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे सारे दोस्त कह रहे हैं कि हमारे स्कूल एजुकेशन में कुछ मिसिंग क्वेश्चंस हैं, लाइक सबकॉन्शियस माइंड पावर्स, राइट ब्रेन एजुकेशन और माइंड पावर्स को नहीं दिया जा रहा बच्चों को, तो मेरा स्टार्टअप उससे ही संबंधित था। तो मैंने जो 3-4 साल में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो दूसरे स्टार्टअप्स भी फेस करें। सो जैसे दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही हैप्पीनेस करिकुलम को ला करके कि स्पिरिचुअल एजुकेशन, माइंड एजुकेशन को बच्चों तक लेकर के जाया जाए, हमारा स्टार्टअप उससे ही संबंधित था। बट इन MP वी हैव टू फेस अलॉट, हमें समझाने में बहुत दिक्कत गई लोगों को कि माइंड पावर एजुकेशन क्या होती है, सबकॉन्शियस एजुकेशन क्या होती है, जो दिल्ली के लोग समझ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं, बट स्टिल इन मध्य प्रदेश हमें बहुत प्रॉब्लम गई। तो आज मिसिंग क्वेश्चन को लेकर के मैं मध्य प्रदेश सरकार से जरूर ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो मिसिंग क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसे MP में भी लागू किया जाए। दूसरा मेरा आग्रह ये भी हो सकता है, जब कोई स्टार्टअप होता है तो हमें 20 लाख तक का, जैसे मेरे इंडस्ट्री में रिबेट कि 20 लाख तक मुझे GST पे नहीं करना है, बट स्टिल आई हैव टू रन एड्स ऑन मेटा प्लेटफॉर्म्स और जो हम एड रन करते हैं तो उसका GST हमें पे करना पड़ता है। जब मैं यदि किसी कस्टमर से GST नहीं ले रहा हूँ और मैं GST पे कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो यदि मेरा 1 लाख रुपये का भी एड चलता है तो उसका GST एक हैवी अमाउंट होता है, जो एक नए स्टार्टअप्स के लिए एक प्रॉब्लम है। फंडिंग के साथ साथ ये जो GST का बर्डन नए स्टार्टअप्स पे पड़ता है, ये एक मुश्किल की चीज़ है, जो मैं आग्रह करना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार से कि यदि उस पर कोई सहायता हमें मिलेगी तो दैट विल बी अग्रेट थिंग। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो देखिए, टैक्स को लेकर काफ़ी यहाँ पर सुझाव मिल रहे हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि आप लोग MSME सेक्टर की भी हम अगर बात करें, जो उद्योग खासकर हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप का जो अंतिम पड़ाव होता है वो उद्योग ही होता है, उद्योग एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर बेहतर उसे मदद मिलती है। किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है? कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि जैसे एक स्टार्टअप है, पर्टिकुलरली जो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो अभी मैंने देखा, जो अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट आया, उन्होंने काफ़ी कुछ बात की, बट स्टिल सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा है जिसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट किया जा सकता है, कि कोई एक सर्विस या कुछ प्रोडक्ट या कुछ भी XYZ हमें ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना है तो उसको लेके सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा सा साइडलाइन हो जाती है, कि उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट के एंड से, रिलेटेड टू टैक्सेस, रिलेटेड टू हाउ ये कैसे पहुंचे। हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लें, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्कीम्स किए हैं, काफ़ी लोगों तक पहुंची, बट स्टिल अभी वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचना अभी भी क्वेश्चनेबल मेरे को थोड़ा लगता है। बिल्कुल, किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है? उद्योग का स्टार्टअप का मेरा ये कहने का मतलब है कि स्टार्टअप्स में हमें गवर्नमेंट टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते हैं उसमें बड़े बड़े ऑलरेडी जो मार्केट में बैठे हुए हैं उन्हीं को टेंडर्स अलॉट हो जाता है। स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं टेंडर लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या तो वो बता देते हैं कि उनका एज कम है या है, लेकिन सारे जितने भी यूथ हैं आज के समय में उनके पास एक तरीके से एक्सपीरियंस है, कैसे भी गवर्नमेंट में काम किया जा सकता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि लगातार सरकार अगर ये बात कह रही है कि हम हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे, लेकिन अगर उसे खुद का व्यवसाय शुरू करना है तो आपको कुछ नीतिगत बदलाव करने होंगे, और नीतिगत बदलाव कैसे होंगे, बजट में प्रावधान करके। जो हमने इन तमाम युवाओं से बातचीत की, इन्होंने ये खुद स्टार्टअप करते हैं, आगे चलकर अनेक उद्योग स्थापित करेंगे, मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे, तो निश्चित तौर पर इनका जो सुझाव है सरकार तक पहुंचेगा और हमें उम्मीद है कि इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर।